का ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्नेहा गुप्ता आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पहुँचे गोरखपुर के राजेंद्र नगर में ओरी फ्लेम ब्यूटी स्टूडियो एंड एकेडमी में, जहाँ पर हम आपको सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से मिलवाएंगे, जिनसे हम आज ब्यूटी टिप और मेकअप के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, जो मेरे साथ साथ आपके लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। इसलिए मेरी वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए हम चलते हैं पार्लर की ओर। तो फाइनली गाइस हम ओरिफ्लेम एकेडमी में पहुंच गए हैं। अब हम अंदर कैबिन में चलते हैं और मैम से बात करते हैं। वीडियो में इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फाइनली गाइस हम एकेडमी में आ चुके हैं और हमारे सामने है मेकअप आर्टिस्ट मिस प्रतिभा शुक्ला जी। आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, इसीलिए वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम आपको आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और आपके बारे में अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं, परमिशन है? बिल्कुल परमिशन है, लेकिन हम भी आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैम मेरा नाम कैसे यहाँ तक आए? जी मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और हम एक ब्लॉगर हैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल है, हम ब्लॉगिंग और डांस वीडियो अपलोड करते हैं। अच्छा। तो आपके बारे में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था और न्यूज़ में देखा भी था कि गोरखपुर में जो शूट होने वाला है मेरी ख्वाहिश मूवी का, वहाँ पर से मुझे आपके बारे में जानकारी मिली है कि आप एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो मुझे इच्छा हुई कि क्यों ना मैं आपसे चलकर मिलूं और अपने ऑडियंस को ब्यूटी टिप्स के बारे में और ब्यूटी पार्लर के बारे में अपने ब्लॉग के थ्रू जानकारी दूं। इसीलिए हम आपसे मिलने महाराजगंज से गोरखपुर तक आए हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिल करके, अच्छा लगा। हाँ जी। अरे ये बात जहाँ तक मेकअप की, तो सेलिब्रिटी मेकअप का क्या है, हम लोग मेकअप शुरू से करना, मतलब जब से हम लोग इस मतलब प्रोफेशन में आए हैं जी, तो हमें जहाँ से भी मेकअप मिलेगा हम करेंगे ही करेंगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम सेलिब्रिटी ही करते हैं, हम हर तरह का ब्राइडल वगैरह हर तरह का मेकअप हम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये है कि हुनर है तो उन्हें भी जब कहीं से पता चलता है कि कोई अच्छा है तो उन्हें भी मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होता है। भाई लग वो मुझे लिए ज़्यादा कुछ खास ऐसा मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। रही बात इस समय तो हमारे क्लासेस का टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी सीजन मेरा ऑफ जा रहा है, तो ऑफ सीजन में हमारे यहाँ काफ़ी एडमिशन वगैरह इस समय हुआ है ब्यूटी एकेडमी में हमारे, तो इस समय ट्रेनिंग्स के आने का समय हुआ है जी। तो क्लासेज अभी हमारी शुरू होने वाली है जी। लेकिन फिर भी पूछिए क्या आप पूछना चाहती हैं और हम जरूर बताना चाहेंगे। मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप मेकअप के साथ साथ टैटू करती हैं और नेल आर्टिस्ट भी हैं। हाँ ये सारा कुछ, जैसे जब आप एक प्रोफेशन में आइए तो मैं साफ बता दूं कि एक केवल थ्रेडिंग बनाने या फेशियल मात्र से आपका एक छत के नीचे मॉल वगैरह क्यों खुल रहे हैं? इसी वजह से खुल रहे हैं कि एक छत समय भी सबके पास कम है, तो इस वजह से एक जगह पर ये सब कुछ मिल जाए तो रखनी पड़ती है फैसिलिटीज़ जी। कुछ चीज़ें मैं करती हूँ, कुछ चीज़ों के लिए एक्सपोर्ट में हायर करती हूँ। हाँ जी। मैं ये कतई झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं सभी कुछ मैं ही करती हूँ, क्योंकि करना और एक स्पेशल तरीके से करना दोनों में बात अलग है। इस समय चूँकि सीजन ऑफ है तो हमारा पूरा ध्यान अपने ट्रेनिंग्स पे केंद्रित रहता है, क्योंकि सीजन जैसे ही ऑन होता है तो हम थियरी की क्लास देना बंद कर देते हैं जी। और हमारे यहाँ के क्लासेस का है, क्लासेस के बारे में अभी तो चूँकि मेरी क्लासेस का ही समय हुआ है तो मैं क्लासेस के बारे में थोड़ा सा अपने ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। क्लासेस का थोड़ा सा मेरा ये है कि जो भी मेरे यहाँ एडमिशन आपको मैं उसके लिए परमिशन दूंगी कि आप ज़रूर बात कर लेंगे जब आप यहाँ तक आए नहीं हैं, ज़रूर बात करना चाहेंगे। हाँ, ताकि मेरे ऑडियंस भी जाने कि आप क्या 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 फैसिलिटी है ट्रेनिंग्स के लिए भी और आने वाले क्लाइंट्स के लिए भी। देखिए एक बार में एक ही बात हो सकती है, तो अभी तो मैं चूँकि एकेडमिक सीजन चल रहा है जी, तो इस समय हम एकेडमी के ही बारे में बात करना चाहेंगे। हाँ दो चार दिन बाद हमारा वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा जी। हाँ? जी। तो अगर टाइम मिला तो उस पर भी हम बोलेंगे जरूर जी। तो अभी इस समय हमारे क्लासेस में मतलब
20 ट्रेनीज हो चुकी हैं और क्लासेस भी लगभग शुरू हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ का एक फंडा है कि यूँ ही नहीं हम एडमिशन लेते हैं। एडमिशन से पहले आपको, क्योंकि देखिए कोई हमें सर्च करता है या आप जैसे आई इस तरह से कोई जान के आता है तो बेशक है हम अपनी वाली कहेंगे, अगला अपना अच्छा कहेगा जी। तो अपनी चीज़ को हम बुरा तो कहेंगे नहीं, अगला भी अच्छा कहेगा। और मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जी। ऐसे में जो पैसा दे रहा होता है, मैं कुछ चीज़ों को जज करने के लिए उसी के ऊपर छोड़ती हूँ जी, हर काम में। तो इसको जज करने के लिए मेरा ये रहता है कि आप पहले हमारे यहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी क्लासेस चल रही है ऑलरेडी पहले से, उसमें 4 डेज आप ज्वाइन करके आप एक डेमो क्लास लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आगे की प्रोसेस करिए, अगर नहीं आता है तो आप आराम से जा सकती हैं, कहीं कोई आपके साथ बंदिश नहीं है। क्योंकि देखिए जो अगला इतना पैसा लगा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे मेरे यहाँ चाहे कहीं भी क्लास कर रहे हैं और क्लास करने के बाद भी यदि आपको किसी दूसरी जगह फिर से इसी तरह की कोई क्लास करनी पड़े जी, तो ये मुझे लगता है कि जो एकेडमी है उसकी कहीं ना कहीं इसमें हार है, इसमें बेइज्जती है। क्योंकि जब कंफ्यूजन रहेगा तभी अगला और जगह जाएगा, जब मेरा पेट भर गया तो फिर हम किस लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ें हम मुझे लगता है के बारे में भी सुने कि अगर आपके यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद जॉब 100% श्योर है। नहीं तो देखिए क्लासेस में इतने प्यार से देती हूँ, आप अभी जब हमारी ट्रेनिंग जाने ही वाली हैं जी, 2 बजने जा रहा है, 2 बज ही गया है जी, तो आज जब आप आई हैं तो एक बार बात करके भी देखिएगा, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई दबाव है या इस तरह का है, आप आराम से 1-to-1 बात करके देख सकती हैं कि क्या उनकी राय है। क्योंकि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, मैं कहती हूँ पहले आपको एटमॉस्फेयर समझ में आए, 4 दिन में आपको लगे कि क्लास समझ में आए, क्योंकि आपके लिए कोई बनावटी क्लास मैं अरेंज नहीं कर रही हूँ, जो क्लासेस मेरी चल रही होती है उसी में 4 डेज आपको बैठना होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू करिए, एज आप क्विट कर सकती हैं, आप आराम से जा सकती हैं। तो वो, और मुझे लगता भी है कि मेरी क्लासेस को करने के बाद से मतलब ट्रेनीज को कहीं और नहीं जाना होता है और फुल्ली कॉन्फिडेंस में रहती हैं वो। अब एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना हुआ, बाकी चीज़ें तो आप मेरी ट्रेनिंग से जानेंगी तभी समझ पाएंगी। तो गाइज आप देख सकते हैं मैम ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, कुछ ही समय है, 2 बजने में इनके ट्रेनिंग आ जाएंगे, उसके बाद हम इनके ट्रेनिंग से भी बात करेंगे। तो हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि ये जो ओरिफ्लेम ब्यूटी स्टूडियो एंड एकेडमी, ये गोरखपुर के राजेंद्र नगर में वी मार्ट के बगल में स्थित है। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर आकर यहाँ से एक बार सेवा लीजिए, और आपको कैसे लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने यहाँ की सारी फैसिलिटी और सारे रूल्स के बारे में, मैं अभी आपको पार्लर का भी विजिट करा दूँगी, अभी हम कुछ ही देर बाद पार्लर का विजिट भी करेंगे और देखेंगे कि पार्लर किस तरह से है। अभी तो हम फिलहाल केवल मैम के ऑफिस में है, ये पूरा पार्लर नहीं है। आप किसी तरह वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और पूरा पार्लर घूमने का आनंद लीजिए वीडियो पर ही, और वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम अब चल रहे हैं मैम के ट्रेनिंग से मिलने, और वहाँ पर हम उनसे भी कुछ खास बातचीत करेंगे। तब तक आप वीडियो पे इसी तरह बने रहिए। थैंक यू स्नेहा। तो मैम आप फाइनली आपके ट्रेनिंग सब आए गए हैं, लगभग 2:45 हो रहा है, तो क्या हम आपके ट्रेनिंग से कुछ बात, आज वेट करते करते 2:45 हो गया जी, तो हम कुछ आज ही क्लास से लग रहा है चली गई, तो चलिए कम से कम यही कर लीजिए जी। तो हाँ बताएं कब तक, क्या बात है, क्या हम आपके ट्रेनिंग से कुछ बात कर सकते हैं, अगर आप परमिशन दे तो अंदर चलें। एकदम एकदम जाइए, और कविता इनको लेकर के जाइए, हाँ अंदर चलिए, मैं अभी आ गाइस, हाँ अंदर की ओर चलते हैं। हाँ और ये हमारे स्टाफ कविता है, जो बिल्कुल जल्दी बोलती नहीं है लेकिन काम सब करती है। इनसे मिले, यह है मिस कविता जी जो ओरिफ्लेम एकेडमी के स्टाफ है। आइए आप अंदर, और ट्रेनिंग से भी हम आपको इंट्रोड्यूस करा। फाइनली गाइस हम लोग क्लास के अंदर आ गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट अपने अपने ड्रेस में मौजूद हैं। अब हम एक एक करके सारे स्टूडेंट से कुछ सवाल करेंगे और उनके एकेडमी के बारे में और उनके ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए, तो पहले हम इनसे मिलते हैं। एक चीज़ लेकिन मैं आपके बारे में बता दूँ, आज वैसे तो क्लास का टाइम आपके हो चुका था, लेकिन आज ये हमारी एक ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, स्नेहा जी, हाँ
जो शायद लक्ष्मीपुर से हैं और यहाँ तक हमारा अगर न्यूज या कुछ भी सुन करके हमारे एकेडमी और क्लासेज और मेकअप के बारे में सुन करके यहाँ तक जानने आई, हाँ, तो इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे कि आज शायद क्लास ना हो पाए, हाँ, तो और ये सारा कुछ जानना चाहती हैं, हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप लोग उसमें हमारी शिकायत भी कर सकते हैं एकदम, आप ओपन माइंड जो आप लोग को यहाँ फील होता है वैसा कुछ बोल सकते हैं, हाँ, तो इनको सपोर्ट करिए, हाँ, जो आपको फील होता है वो चीज़ आप कहिए, हाँ, ठीक है। तो आइए हम अब स्टूडेंट से कुछ बातें करें। तो आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? 10 दिन। तेज बोलिए, ऑडियंस को सुनना चाहिए ना। 10 दिन हो गया जी। तो आप यहाँ मतलब किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रही हैं? ब्यूटीशियन की। ब्यूटीशियन में जैसे ब्यूटी पार्लर में कई कोर्स होते हैं, मेकअप, नेल आर्ट, हेयर, तो आप किसके? बेसिक एंड एडवांस जी। तब आपको यहाँ आकर कैसा लगता है? तो मैम ट्रेनिंग किस हिसाब से देती हैं? अच्छा देती हैं, अच्छे से ट्रेनिंग देती हैं, मतलब आप संतुष्ट हैं ना यहाँ? हाँ। जी धन्यवाद। आइए हम आगे भी चलते हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं, हम ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। प्लीज़ गाइस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो हाय, आपका नाम? प्रिया तिवारी जी। आप कहाँ तक से? 2-3 दिन। तो यहाँ आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? बेसिक कोर्स कर रही हैं। आपको मैम के साथ काम करने में या सीखने में कंफर्ट लगता है? हाँ। या मैम किस तरह सिखाती हैं, कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा ही बताती हैं, अभी तो 2-3 दिन बेसिक क्लास ही है, मतलब सेल्फ के बारे में। तो देखिए गाइस और भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग 20 लोग हैं, 20 लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करेंगे तो भी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ आप कब से हैं? 1 वीक से हैं। तो मतलब आपने क्या क्या सीखा मतलब? अभी सिर्फ सेल्फ के बारे में बताया गया कि मेकअप का, हेयर का, स्किन का बताया गया। तो अपने मैम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि मैंने आपके मैम के बारे में न्यूज़पेपर और न्यूज़ में देखा कि आपकी मैम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे अपने मैम के बारे में? क्योंकि मेरे ऑडियंस जानना चाहते हैं ना आपके मैम के बारे में, जैसे जानेंगे तो मेरे ऑडियंस ही कस्टमर होंगे, जब जानेंगे तब यहाँ तक आएंगे ना, तो आप कुछ बताइए अपने पास। मैम बहुत अच्छी है, सबके साथ बहुत अच्छे से बता रही, सबको अच्छे से समझा भी रही, बहुत अच्छी। चलिए, क्या आपकी मैम अगर कुछ जो चीज़ ना समझ में आए 2 से 3 बार पूछने में बताती हैं? हाँ, एकदम। गुस्सा नहीं करती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं। तो देखिए गाइस, ऐसा टीचर होना चाहिए। अच्छा, वो कॉलेज की तरह नहीं है मैथ वाला, जैसे हम लोग कैसे मैथ पूछने जाओ दोबारा, सर जी बता दीजिए, काफ़ी पैक। अरे तुझे अभी तक समझ में नहीं आया, क्या कर रहा था, कहाँ देख रहा था? तो ये मैम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, यानी एक बार नहीं समझ में आने पर दोबारा बताएंगी, दूसरे बार में, तीसरे बार बताएंगी, तो तीसरे बार में तो इंसान होगा तो समझ ही जाएगा ना गाइस। तो इसलिए बिना स्किप के वीडियो को देखेगा बहुत मजा आएगा, तो बाहर भी जाएगा। और मैम पनिशमेंट भी देती हैं स्कूल की तरह ही। आइए तो और भी स्टूडेंट से मिलते हैं। तब आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 2-3 दिन से। ये तो न्यू स्टूडेंट है, इन लोग 2-3 दिन से आ रहे हैं। अब इन लोगों का भी सारे लोग 2023 वाले स्टूडेंट, ये सब 2023 वाले, इन लोगों का अभी सेल्फ थिंक चल रहा होगा। आइए हम कुछ सीनियर स्टूडेंट से भी मिलेंगे। तो आप कब से आ रहे हैं? 7 डे हुआ। इनका भी 7 डे हुआ। आपका क्या चल रहा है इसमें? अभी ब्यूटीशियन का ही कोर्स कर रहे हैं। तो ब्यूटीशियन में मतलब अपने अब तक 7 डेज में क्या सीखा? थ्रेडिंग बनाना सीखें, क्लीनअप के बारे में सीखें जी, हाँ, ये सब के बारे में मैम सिखाएंगी। तो आपको 7 डेज में मैम के साथ रहना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो गाइस हम भी चाहते हैं आप लोग ज़रूर एक बार आके ओरिफ्लेम एकेडमी में सेवा लीजिए और देखिए कि आपको कैसा लगता है। और जो जो गोरखपुर और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, या जो यहाँ पर आकर वापस हो चुका है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैम के यहाँ SD & 4K मेकअप की भी सुविधा है, एयर ब्रश मेकअप, यहाँ पर नेल आर्ट एंड नेल इंस्ट्रक्शन, टैटू स्टूडियो। आइए हम फिर से मिस प्रतिभा जी यानी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, इनसे हम फिर से कुछ बातचीत करेंगे। मैम
बार बार सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ना चाहेंगे, सभी को जरूरत होती है आपके बारे में सुना है, हम ऑडियंस को ही बताना चाहेंगे ना। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन सेलिब्रिटी को जरूरत होती है तो सेलिब्रिटी मेकअप कराती है हमसे। नॉर्मल लोग ये थोड़ी है कि हम नॉर्मल लोग आप में बहुत बड़ी बात है कि आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो करना होता है सभी को, वो सेलिब्रिटी का करें या ना करें, लेकिन हमें आर्टिस्ट अपने काम को अच्छे से अच्छा ही करना होता है। चाहे हम एक बहुत सिंपल भी क्लाइंट पे कर रहे होते हैं तो हमें काम, क्योंकि इस काम को बहुत मेहनत से हम सीखे होते हैं और हमारा अपनी सभी ट्रेनीज से यही है। कभी कभी हमारे प्रोफेशन में क्या होता है ना कि पता चलता है कि कुछ ऐसी नोकझोंक हुई कि पैसे नहीं मिल रहे हैं हमें जी अपने काम के, वहाँ जिद वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने काम को पूजा की तरह सीखा था, आप पूजा की तरह कर लो ठीक है वो क्लाइंट, लेकिन जब आपका बंदा स्टेज पे जाएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं पैसे नहीं दे के आऊँ, केवल लोग आपका काम देखेंगे। यस। और एक बार उसके मुंह से जरूर निकलेगा कि वो ओरिफ्लेम एकेडमी से काम करा कर दिया, तो सही रिजल्ट आपको इस पर देंगे। हाँ ये कहना चाहेंगे कि ये तो जितनी भी हैं इसमें हमारे लगभग न्यू ट्रेनिंग 2023 की हैं, तो अभी ले दे करके इन लोगों का सभी का 1 वीक 10 डेज की क्लास हुई है। हाँ जी। और क्लास को समझने का हम पूरा मौका दे रहे हैं। हाँ तो वैसे आप सबसे रिव्यू ले सकती हैं, लेकिन हमारी उससे पहले एक सीनियर ये स्टूडेंट आई हुई हैं जो लगभग साल भर से हमें ज्वाइन करी हुई हैं, ये प्रॉपर क्लास हमारी नहीं कर पाती हैं। ये भी हमारी सीनियर ट्रेनिंग है जो हमें लगभग 1 साल से ज्वाइन की हुई है, और ये लगभग पूरा क्लास मतलब हमेशा नहीं आ पाती हैं जब इनका सीजन ऑफ होता है, क्योंकि इनका ऑलरेडी अपना लक्ष्मीपुर में अच्छा पार्लर है। हाँ जी, इन कुछ चीज़ों के लिए अपडेट होने के लिए आई थी, और धीरे धीरे लगभग पूरे कोर्स को अपना जैसे जैसे समय मतलब मिलता है इनको वैसे वैसे आगे, क्योंकि इनका लगभग पूरा दिन जिस दिन आती हैं पूरा ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, और ये कोर्स करके यहाँ से जाती हैं। तो अभी जो लोग हाफ जैसे हफ्ते या 10 दिन से आ रहे हैं वो ज़्यादा, लेकिन इनसे आप पूछिए, और ये हमारी मेकअप की ट्रेनिंग हैं जो स्पेशली दूसरे सैलून से आई हुई हैं, दूसरे सैलून में और सारा इन्होंने कोर्स किया हुआ है और यहाँ ये मेकअप का कोर्स कर रही हैं, तो इन दोनों लोगों से भी आप हमारी राय ले सकती हैं, हमारी अकेडमी से रिलेटेड जो पूछना हो आप पूछ सकती हैं। तब आकांक्षा जी आप कब से यहाँ पर हैं? 24-25 मेकअप के। मैम ने हमको एक बच्चा की तरह सिखाया हमेशा, जब भी ज़रूरत पड़ता हम मैम के पास कॉल करते हैं, हर एक बात पूछते हैं, छोटी छोटी बातें हम मैम से पूछते हैं, मैम हमको एकदम बच्चे की तरह बताती हैं। जी मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आइए हम और स्टूडेंट से भी मिलते हैं। तब देखें तो यहाँ आप कितने मंथ से आ रहे हैं? 7 डेज से। देखिए अभी ये भी आप भी माय सेल्फ पे भी पहुँच रही हूँ, रिसर्च के बारे में आपको भी बताया जा रहा होगा, तो 7 डेज में कभी आपको यहाँ बोरिंग या अजीब टाइप लगा लो? बहुत फेस फील करते हैं, मैम इतना अच्छा से पढ़ाती हूँ, तो मेरा घर की तरह कंफर्टेबल और रिलैक्स लगता है। देखिए तो घर से अच्छी जगह कोई है नहीं, जब किसी क्लास में घर की तरह फील हो तो आपको अंदाजा लगा रहना चाहिए कि पार्लर में मैम किस तरह का बिहेव करती होंगी। घर में तभी अच्छा लगता है जब माँ होती है, तो इसका मतलब यहाँ मैम भी माँ की तरह ही ट्रेनिंग देती होंगी, इसीलिए ना स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? 7 डेज। और आप भी?
आज फर्स्ट डे का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे कैसा लगा? चलिए देखिए, हम लोग तो बहुत शुरू से क्लोज है ना। देखिए अब फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे इनके हम चले भी आए, इनका क्लास भी मिस कर दिए। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मैंने आपका क्लास मिस करवा दिया। आपके मैम से मिलने की इच्छा काफ़ी दिनों से थी, जब से न्यूज़ देखा तब से। एक तरह से मेरा ये ड्रीम बन गया था कि हम चलेंगे। कौन है वो मेकअप आर्टिस्ट जो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है? उससे हम ज़रूर मिलेंगे। और फिलहाल तो खैर हम फिल्टर से अच्छे लग रहे हैं, फिल्टर लगा है ना, पर हम मैम से ज़रूर मेकअप कराएंगे एक बार। सारे लोग फिल्टर वाले हैं, मतलब अदर लोग तो मेकअप किया, बट मेरे फेस को भी देखिए फिल्टर लगा गाइस। बट हम मैम से मेकअप करा के एक वीडियो ज़रूर शॉर्ट क्रिएट करके आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। फिलहाल आज तो समय नहीं है, क्योंकि अगर आज हम यहाँ रुके तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। फिर कभी दो तीन दिन बाद, चाहे एक हफ्ते एक महीने बाद, हम आकर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब आप इनसे मिलिए, तो आप यहाँ कब से आते हैं? हम यहाँ 7 days हो गए। 7 days होते हैं, तो आपको 7 days में यहाँ कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा लगता है जी। लगता नहीं कि हम लोग कभी नई नई जान पहचान हुई है जी। बहुत अच्छे से हर चीज़ को बहुत डीपली से समझाती हैं और समझ में भी आता है जी। इनके साथ हम लोग को बहुत मज़ा आता है, क्लास करने भी बहुत इंजॉय मिलता है। बताइए गाइस, वो क्लास से क्या इंजॉय ना, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी होती है। आइए आप फिर से मिलते हैं अभी इनसे। आप यहाँ कब से आ रही हैं? तेज हो रही है आज, इनका भी फर्स्ट डे है क्या? मैंने आज इनकी भी क्लास की छुट्टी करा दी, तो इसके लिए सॉरी, हम आपसे भी सॉरी कहना चाहेंगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार आके ओरिफ्लेम एकेडमी में सर्विस लीजिएगा, और यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसे, जो भी आपके लायक हो उसे ज़रूर करवाइएगा। आइए हम फिर से मैम से बात करते हैं। मैम आपका इतना कीमती समय देने के लिए हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी वहाँ से इतना दूर से चल करके आई मेरे लिए, इससे मेरा तो काम ही बड़ी बात मैम। और आपने आज मेरे लिए अपनी क्लास भी मिस करा दी, अपने बच्चों का ये चीज़ थोड़ा सा मुझे लगा जी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थोड़ी सी कि मैम के क्यूट से स्माइल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्नेहा।